सत्र में उदाहरण द्वारा हमने बीजीय व्यंजक के तत्वों को समझा। मित्रों, इस सत्र में चलिए इस अवधारणा से संबंधित कुछ आम गलतियों की ओर नजर डालते हैं। इस व्यंजक को देखिए, इस व्यंजक में कितने पद हैं? आप शायद सोचेंगे कि यहां दो पद है, लेकिन यह केवल एक ही पद है, 4x। यहां 4 और x को गुणा किया गया है। हम यह गलती कर बैठते हैं कि क्योंकि दो चीजों को गुणा किया गया है, इसलिए परिणामी व्यंजक दो पदों से युक्त होगा। लेकिन मामला यह नहीं है, यह केवल एक पद है। तो 4 विभाजित x का क्या? इसमें कितने पद हैं? यह एक अंक है जो चर से विभाजित किया गया है, लेकिन यह भी केवल एक ही पद होगा। तो जब अचर और चर गुणा या विभाजित होते हैं, तो केवल एक ही पद रहता है। केवल जोड़ और घटाव पदों को अलग करता है। मान लीजिए कि यह व्यंजक दिया हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस व्यंजक में कितने पद हैं? इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको दो विकल्प देती हूं। व्यंजक को देखकर हमें ऐसा लग सकता है कि यहां 4 पद मौजूद हैं, लेकिन यह विकल्प गलत है। इस व्यंजक के पहले और आखिरी भाग को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दोनों समान पद हैं, क्योंकि इन दोनों में समान बीजीय गुणनखंड है, जो है a और b। इसी वजह से इन दोनों को जोड़कर एक पद बनाना होगा। तो कुल मिलाकर इस व्यंजक में 3 पद होंगे, इसलिए सही विकल्प बी है। यह याद रखिए कि पदों को गिनने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि सारे पद असमान हो। अगर कोई समान पद है तो पहले उन्हें मिलाकर एक पद बनाना पड़ेगा और फिर गिनती होगी। इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजक से संबंधित हमसे होने वाली दो गलतियों को देखा।